झीलों की नगरी भोपाल में शनिवार को राजस्थान की संस्कृति और गीत संगीत की झलक देखने को मिली। मौका था सिया कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित घूमे रे घूमर कार्यक्रम, जिसमें राजधानी की राजपूत समाज की महिलाओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी। राजस्थानी गीत संगीत और डांस का यह कार्यक्रम भोपाल के भोजपुर क्लब में आयोजित किया गया। सिया फाउंडेशन द्वारा पिछले 5 सालों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में क्षत्राणी महिलाओं ने जोश, उत्साह और उमंग के साथ गीत संगीत की प्रस्तुति ने हर किसी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर मालती राय मौजूद रही। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की। साथ ही कार्यक्रम के आयोजक शिवाराजे सिसोदिया ने इस कार्यक्रम के आयोजन पर प्रकाश डाला। करीब एक कार्यक्रम है घूमे रे घूमर, जो राजस्थान में कोई भी शुभ काम में या पूजा पाठ में या शादी ब्याह में ये कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें महिलाएं एक तरफ से सब इकट्ठी होकर इंजॉय करती हैं अपने घर में रह के, पूरा ट्रेडिशनल अपनी वेशभूषा में। वो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। और जो हम यहाँ इतने सालों से हम लोग एक डिमांड कर रहे थे कि एक रानी पद्मावती का आप लास्ट में भी देखेंगे, ग्राम वॉक हम लोगों ने रखी है, और इससे पहले भी पिछले साल भी हम लोगों ने रानी पद्मावती को हाईलाइट करके एक आयोजन किया था हम लोगों ने रानी पद्मावती के ऊपर। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि हमारे CM साहब ने रानी पद्मावती को सम्मान देते हुए उनकी मूर्ति की स्थापना का 5 तारीख को अनाउंसमेंट भी किया है और भूमि पूजन भी किया है। तो हम लोगों को बड़ी खुशी है कि हम लोगों के इस तरह कार्यक्रम से हम लोगों को कुछ तो सफलता। हाँ, भोपाल में हम 5 साल से कर ही रहे हैं, क्योंकि भोपाल में ये होता नहीं था। MP में तो हुआ है, इंदौर में पहले हुए हैं, इंदौर में होते रहते हैं, लेकिन भोपाल में ये सौभाग्य हमारा कि हमारे थ्रू सिया कल्चर ने ये इसका बेड़ा उठाया है कि इस कल्चर को आगे बढ़ाने का। तो उसको आज 5 साल पूरे हो गए, और सभी का, भोपाल वासियों का, सभी महिलाओं का बहुत सहयोग रहा है हमेशा से। थैंक यू। और इसी तरह से सबका सहयोग है तो आगे भी हम लोग करते रहेंगे इसको। थैंक यू। मैं हमारी भाभी श्रीमती सिसोदिया जी को बहुत बधाई देती हूँ कि वो लगातार ये 5वां वर्ष है और राजस्थानी कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और भोपाल की महिलाओं को राजस्थानी लुक में बुलाकर और दिन भर का उनका कार्यक्रम चलता है। मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उनको कि उनका कार्यक्रम निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। निश्चित ही हम किसी भी शहर की यदि पोशाक पहनकर और नृत्य करते हैं तो एक अलग आनंद महसूस करते हैं, महिलाओं को भी बहुत अच्छा लगता है। कार्यक्रम में रैंप राउंड, कालबेलिया डांस, रॉयल राजपुताना ग्रुप गुना के द्वारा घूमर ग्रुप तलवार का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा लाल पीली अखियां पर फास्ट घूमर डांस, थाली घूमर, प्लेन घूमर, घूमर फोक फ्यूजन, घूंघट घूमर, घूमर तलवार घूमर और ग्रुप घूमर का आयोजन किया गया। आज इस युग में
जहाँ वेस्टर्न कल्चर हावी है और उस युग में अगर हमारे जो भारतीय संस्कृति है जो प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही है, जो महिलाओं को एक आत्मसम्मान और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है, उसका ये कार्यक्रम आज जो सिया कल्चर की तरफ से किया जा रहा है ये निश्चित रूप से प्रोत्साहित करने वाला है। और मैं सिया कल्चर की हेड उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। सिया कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने राजस्थानी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।